हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं फिर एक बार 12th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली गाइस, अभी तक अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ पोर्शन कर रहे थे, और आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन करते हैं, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में अधिशोषण एक हेडिंग है, चैप्टर नंबर 4 है, 5 है, अधिशोषण सतह रसायन का है चैप्टर। और इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसी के आगे जो है अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण कैसे होता है, अधिशोषण होने का क्या कारण है, अधिशोषण के कितने प्रकार हैं, अधिशोषण पर ताप दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों का यहाँ पे अपन आज वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए वेलकम। सबसे पहले कोई ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ की सतह पर दुर्बल बल रहते हैं, जैसे चारकोल है, एल्यूमिना है, जिप्सम है, और जब इस पर कोई गैस अपन लाते हैं तो इसके आसपास सतह पे गैस चिपक जाती है। जैसे मैं अमोनिया लाया चारकोल के आसपास, तो अमोनिया गैस चारकोल पे जुड़ जाएगी और हम कहेंगे अधिशोषण हो गया है। अधिशोषण जिसमें चारकोल अधिशोषक है और अमोनिया अधिशोष है, और इस घटना को क्या कहते हैं? अधिशोषण। दोस्तों ये अस्थाई है, ऊष्मा क्षेपी है, इसमें ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक। तो उस वीडियो के आगे की बात आज हम बताएंगे। दोस्तों दो प्रकार के हैं अधिशोषण। सबसे पहले पहला है भौतिक अधिशोषण, दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। काफी महत्वपूर्ण, बहुत सारे पॉइंट्स कंपटीशन में और 12th क्लास में इससे आते हैं, तो इसका अध्ययन अपन करते हैं। देखो भौतिक अधिशोषण की जो डेफिनेशन है, ये है अधिशोषक और इसके आसपास, इसके चारों तरफ ये जो है कोई अधिशोष चिपका हुआ है। 90% अधिशोषक ठोस रहता है और अधिशोष गैस या द्रव रहता है, गैस ज्यादा रहता है। तो हम बता दें अधिशोष और अधिशोषक के बीच वांडरवाल्स बल रहते हैं, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक बंध बन जाते हैं, सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध, तो इसको रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। क्लियर? जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच रासायनिक बंध बन जाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण। केवल वांडरवाल सबसे दुर्बल बल रहेंगे, अंडरवाल तो भौतिक अधिशोषण। ऊष्मा क्षेपी क्रिया है तो इसमें 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा निकलती भौतिक में, और रासायनिक में देखिए 40 से 400 किलो जूल, मतलब ज्यादा ऊष्मा किसमें निकल रही? रासायनिक में। तो रासायनिक अधिशोषण प्रबल होगा, ज्यादा ऊष्मा ज्यादा बल लगेगा, कम ऊष्मा कम बल लगेगा। निम्न ताप पर होता है लेकिन ये उच्च ताप पर होता है, इसका ध्यान रखना होगा। ये अक्रिय सतह, जैसे अधातु की सतह अक्रिय मानी जाती है मोस्टली, और धातु की सतह सक्रिय मानी जाती है, तो ये सक्रिय पर होता है। एक और, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, किसमें? भौतिक में, लेकिन रासायनिक में सक्रियण ऊर्जा अनिवार्य है। हम आपको बता दें यहां पे देखिए, ताप बढ़ाने पर यह घटता है भौतिक, लेकिन रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जैसे ग्राफ को प्लॉट करें तो भौतिक अधिशोषण का ग्राफ बता रहे हैं हम आपको, ताप बढ़ाने पे हमेशा इस प्रकार का ग्राफ आएगा, जो भौतिक अधिशोषण के लिए है। यदि हम रासायनिक अधिशोषण के लिए ग्राफ प्लॉट करें, इसी तरफ कर रहा हूं मैं, ये रासायनिक अधिशोषण है, ये ताप है, यहां पे यहां ताप, यहां अधिशोषण। तो यहां पे क्या होता है, ग्राफ पहले ऊपर उठ जाता है फिर नीचे जाता है, पहले बढ़ता है अधिकतम के बाद घटता है। क्लियर? सरलता से द्रवित होने वाली गैसों का भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण का गैसों के द्रवण से कोई संबंध नहीं है, ये जल्दी अलग भी हो जाता है। अधिशोषण परमानेंट नहीं है, ज्यादा गर्म करोगे तो अधिशोष अधिशोषक की सतह से निकल जाएगा, जिसे विशोषण कहते हैं। तो ये पिछले वीडियो में चीज देख सकते हैं, ये जल्दी विशोषण उत्क्रमणीय है,
और ये कैसा है? अनुत्क्रमणी। ज्यादा ऊर्जा निकली ना तो अनुत्क्रमणी होगा, नहीं निकलेगा। इसमें यौगिक नहीं बनते, लेकिन इसमें यौगिक का निर्माण होता है। इसमें एक और अंतर यहां पे याद दिला दें हम आपको, जो भौतिक अधिशोषण है, इसमें कई परतें आ जाती, बहु परती होता है, और रासायनिक अधिशोषण में निश्चित बंध है तो एक परती होता है। यहां पे एक और जोड़ना पड़ेगा, रासायनिक अधिशोषण एक परती होता है और भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय, एक से ज्यादा। देखो बांडर्स बाल वालों की संख्या निश्चित तो है नहीं, इसलिए परत एक से ज्यादा दो तीन चार चढ़ जाती है। अब इसी में हम आगे आ रहे हैं, तो अधिशोषण पर दाब का प्रभाव समझाने के लिए फ्रेंडलिक साइंटिस्ट ने एक ग्राफ बनाया है समान ताप पर, जिसे कहते हैं फ्रेंडलिक समतापी समीकरण, और इनका ग्राफ भी खींच रहे अपन। तो यहां से आपको ये चीज समझनी है, दो पार्ट में दो ग्राफ आएंगे, बहुत बारीकी की चीज है, छोटी चीज है। तो ये किस लिए ग्राफ आया, बड़े ध्यान से देखिए, ग्राफ आया है दाब और अधिशोषण में संबंध बताने के लिए। ताप का प्रभाव तो मैंने समझा दिया, दाब का यहां समझ में आएगा। यहां एक्स बटे एम लिखा है, एक्स अधिशोषक की मात्रा है, एम अधिशोषक की मात्रा है, जैसे अमोनिया की मात्रा एक्स और चारकोल की मात्रा एम, इस प्रकार। और ये अधिशोषण की मात्रा यहां दाब, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, निम्न दाब पर अधिशोषण, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे अधिशोषण बढ़ रहा है, मतलब दाब के समानुपाती, एक्स बटे एम समानुपाती पी। हम करते गए, जब अधिकतम दाब हो गया अधिशोषण होना बंद हो गया, इसको हम संतृप्त दाब भी कहते हैं। एक्स अपॉन एम समानुपाती पी पर जीरो की घात, जीरो की कब आ गई, पहले तो एक की घात थी, मध्यम दाब दे, एक्स बटे एम समानुपाती पी पर वन अपॉन एन, एन का मान जो है कितना होगा ये हमें देखना है। देखो पहले एन का मान एक, तो एक बटे कितना आ गया, एक ही रहेगा, ये निम्न दाब है। अब इसका मान बढ़ता जाएगा एक से, एक बटे दस, एन का मान 10 रखा तो ये हो जाएगा 0.1, देख रहे हैं आप, पी पर घात 0.1 की हो गई। एन का मान 100 कर दिया 100.01, एन 1000 कर देंगे 0.001, एन का मान घटता जा रहा, पावर घटती जा रही, कब तक घटाओगे, जब तक एन का मान बढ़ाएंगे, एन का मान अनंत कर दे रहे तो 1/अनंत क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार इसको समझा सकते हैं। तो मध्यम दाब में थोड़ी सी गणित भी लगा रहे हैं यहाँ पे हम, देखिए x बटे m समानुपाती p पर 1/n की घात बराबर लगाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा कि लॉग लेंगे, लघु गुणक, x अपॉन m लॉग x अपॉन m बराबर लॉग के, यहाँ गुणा है प्लस लग जाएगा लॉग की नियम के अनुसार, और 1/n की घात सामने आ जाएगी लॉग p, ये कहलाता है फ्रेंडलिक समतापी समीकरण। इसमें p क्या है, दाब, 1/n अभी आया है संख्या है, इनका मान k नियतांक है, x बटे m अधिशोषण की मात्रा है, और एक गणित का है सरल रेखा का समीकरण, मैथ्स के कोर्स में रहता है, y बराबर mx प्लस c। इसकी जरूरत क्यों आ गई, केमिस्ट्री में गणित की आवश्यकता। क्या होता है, यहां पर एक छोटा सा ग्राफ दिखा रहे हैं, देखो ये y और x दो चर राशियां हैं, यहां जो m है ये ढाल कहलाता प्रवणता और c अंतःखंड है। तो हम सरल रेखा का समीकरण इसलिए बता रहे हैं, इसकी तुलना हम हमारे समीकरण से कर रहे हैं, कौन सा, फ्रेंडलिक समतापी समीकरण। क्या है, log x अपॉन m 1/n log p बराबर log k, ये ग्राफ खींचा हुआ है, देखिए यहां पर ये x ये y दो राशियां हैं x और y, यहां ढाल आएगी 1/n, ये देखो m x प्लस c, c कहां लिया, log अंताखंड है c, ये अंताखंड है c, ठीक है, और ये प्रवणता है 1/n। देखो y की वैल्यू ये है y, ये देखिए जो c है यहां log k है आरासन में, और m की वैल्यू है यहां 1/n प्रवणता, और x है log p, तो बाय एक्स
यहां सी इसको अंताखंड कहते हैं और जो ढाल आया है इसको वन अपॉन एन। तो प्रांड्लिक समतापी समीकरण से हमें अधिशोषण की मात्रा पर ताप का प्रभाव समझ में आता है। और ये हमने दो प्रकार पढ़े अधिशोषण के, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण प्रबल होता है, भौतिक अधिशोषण दुर्बल होता है। इसको प्राथमिक अधिशोषण, द्वितीय अधिशोषण भी कहते हैं। तो गाइस ये चीजें आपको केमिस्ट्री में हम लगातार देते रहेंगे और इसको लाइक अवश्य करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, हमें एकदम उत्साह मिलता है कि हाँ हम भी इसी को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। इस चीज का ध्यान रखिए आप, और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेज की चीजें हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।